और बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा था, कई दिन से मैंने दवाई नहीं ली है, अभी आज यहाँ आई मैं, मेरे को ठीक लगा, परमेश्वर ने छुआ और चंगा किया सबको जान से। मन में एक बोझ सा था, आज मैं आज सत्संग से आने से मेरा जो मन का बोझ बिल्कुल ठीक हो गया और प्रभु जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी गांव से लोगों ने कल भी गुड़िया को जब हम लेके आए तो जिसको काफी दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की दया से ये चल गई। Lift your hands and worship him, the King of heaven. स्वर्ग के परमेश्वर। अभी कैसे लग रहे हैं? अब तो मैं बिल्कुल चंगी हूँ। Lift your hands and worship him, the King of heaven. स्वर्ग के परमेश्वर। जीवन को बदल देती है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है परेशानी में हो सकता है आप दुखी हो सकता है कोई आत्मा बार बार
परेशान करती हो। हो सकता है आपका जीवन कुछ ऐसे बंधनों से बंधा हुआ हो जो बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं निकल पा रहे। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए है। जब आप उसे अपने जीवन में बुलाएंगे, उसे अपने दिल में बुलाएंगे, तो वो आपके दिल में काम करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के बंधन टूट रहे हैं। क्या परेशानी थी? अभी कैसे लग रहा है? कितने दिनों से था ये? दो महीने से इनको प्रॉब्लम थी, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने इनको चंगा किया। मेरे भाई, जब आप अपने मन से प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करता है। सब प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं। देखिए, ये वो बहन है जिसके बारे में बता रहा था, गठिया की प्रॉब्लम है किसी को, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया इस बहन को गठिया की प्रॉब्लम है। और सुनिए इसे, कितने दिनों से आप इस बीमारी में थी? करीब 2 साल से इस बहन को गठिया था और पीजिया से दवाई लेके आई थी, लेकिन इनको विश्वास था कि मैं प्रभु की हजूरी में जाऊंगी और प्रभु मुझे चंगा कर देगा। मेरी बहन, आज कैसे महसूस कर रहे हैं आप? ये गठिया कहाँ कहाँ दर्द होता था गठिया की वजह से आपको? अभी बिल्कुल ठीक है, आज प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम थी आपको? इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज प्रभु ने इसको उससे आजाद कर दिया है। कितने सालों से था, कितने दिनों से दवाई दी? 6 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, लेकिन आज यहाँ प्रभु ने इसको आजाद किया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े उस गड्ढे से निकलता है। कमर में दर्द था, जी ठीक आ जी। कितने दिनों से था? 2-3 साल से कर दी। 2-3 साल से कमर में दर्द था, ठीक आ जी। अभी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। बहन, आप कहाँ से हैं? नाम क्या है आपका? ये बहन कई सालों से प्रॉब्लम में थी। मैं बहुत परेशान थी, घर की तरफ से, पति की तरफ से, मुझे सुनाओ। इस बहन को सारे शरीर में दर्द रहता था, सोजिश थी सारे शरीर में, और इनके गले में कुछ प्रॉब्लम थी। आज आपके साथ क्या हुआ जब आप यहाँ प्रेयर कर रही थी? चक्कर आया और मैं एकदम से अचानक से ऐसे होने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, प्रभु का नाम ली और हमने बिल्कुल ठीक हो। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कोई दर्द है? नहीं नहीं। हालेलुया। मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में था, पूरा सीधे से खड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा लगा कि बिल्कुल हल्का, मुझे महसूस भी नहीं हो रहा कि मेरे कमर में दर्द है, बिल्कुल एकदम दर्द चला गया है। क्या बीमारी थी? सुनिए, इस बहन की गले में गांठ थी। अब नहीं है, कहाँ गले में दिखा सकते हैं? नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। इस बहन को गले में रसौली थी, जब ये आई तो रसौली थी गले में। देखिए, और अभी इस बहन के गले में कोई रसौली नहीं है, वो गांठ जा चुकी है। प्रभु जी से चंगा कर दिया। किसने किया मेरी बहन? प्रभु ने किया जी, प्रभु ने किया। हालेलुया। और ना मेरे कमर में दर्द था, सवेरे में खुलोर से खुद ही बैठ नहीं सकती जी। आपको प्रभु की प्रार्थना करिए, आपका बोझ उतार हुआ है, जमा दर्द है नहीं मेरा। कितने करीब करीब कितने साल से थी एलर्जी? मेरा एलर्जी थी 4-5 साल से। 4-5 साल से इनको एलर्जी थी, लेकिन आज जैसे प्रभु की हजूरी में आई तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करती है अपने आप को। Just happened here.
something mighty just happened here.